हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेंद्र कुमार और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको ईयरफोन और ओवर हेडफोन के बारे में अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और आपको उसके डिटेल के बारे में बताऊंगा। तो मैं दिखा देता हूं आपको। यहां पर आपको एक ईयरफोन दिखाई दे रहा होगा मेरे हाथ में और दूसरे हाथ में यहाँ पर ओवर हेडफोन। तो मैंने ये दोनों लोकल मार्केट से ही परचेस किए हैं। ये आपको ऑनलाइन में भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो आज मैं इन्हीं के बारे में रिव्यू करूंगा और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह के लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करता हूँ और इनकी रिव्यू करता हूँ। चलिए, तो फ्रेंड मैं इनमें से किसी एक का आपको रिव्यू स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं यहाँ पर एयरफोन लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसे अनबॉक्सिंग करके देख लेता हूँ और इसको पहले ओपन करने से पहले यहाँ पर देखेंगे आप बॉक्स पे इस तरह से इसका अंदर से कुछ हेडफोन रहेंगे और इसके कुछ डिटेल दी गई है उसको मैं वैसे भी बता दूँगा। और यहाँ पर इसका कुछ ड्राइव 10 mm में 15 inch रिस्पॉन्स वगैरह भी दे रखा है 20,000 एडजस्ट तक। और इसकी संस्कृति है 92+3 digit। बाकी प्लग इन जैक जो दिया है इसमें 3.5 mm का है जो नॉर्मली 5.5 में आता है। और ये इंडिपेंडेंस जो 16 watt और कोड लेंथ वगैरह 1.2 mm कुछ ऐसे दे रखा है। तो इसके जो वॉल्यूम को लेकर काफ़ी अच्छा फेमस है, यहाँ पर देखेंगे आप उसको देख के आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ जो मेटल रियल इस टाइप का डिजाइन होने वाला है उसका, तो ये हाई सेंसिटिविटी हाई क्वालिटी के जो हेडफोन हैं तो काफ़ी अच्छी क्लियर ऑडियो के साथ आपको मिलते हैं। तो मैं उसका एक बार खोल लेता हूँ यहाँ से। तो जो मैंने परचेस किया है ये लगभग उसका बिल है और बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो नॉर्मल सही ही इसमें पैकिंग दी है और इसमें हेडफोन है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर कुछ इस तरह से भी है, इसमें नॉर्मली साथ में जो रबर जैसे नॉर्मल वैसे जैसे आते हैं। यहाँ पर आपको लेफ्ट राइट का भी पता चल जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने चेंज करके दिया है, ये देख सकते हैं नहीं होगा तो यहाँ से दिख रहा होगा। तो इसका एयरफोन है काफ़ी मैट, एक अलग तरह के मेटल की तरह बनाया गया है तो ये जल्दी गंदा नहीं होगा और स्केचिंग वगैरह में जल्दी ख़राब नहीं होगा। और यहाँ इसका देखेंगे आप 3 point दे रखते हैं, वॉल्यूम ऑडियो अप और डाउन के लिए और कॉल वगैरह रिसीव कर सकते हैं। बाकी जो जैक है काफ़ी इन्होंने अच्छा यहाँ मजबूत करके दिखाया है। तो इस तरह से यहाँ पर मैं एक बार इसको म्यूजिक ट्राई जरूर करूँगा, लेकिन इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। मैं साइड में मेंशन कर रखा है आपको राइट और लेफ्ट कौन सा लगाऊंगा। उसके बाद लगाने के बाद इस तरह का ये देखेगा आपको, यहाँ साइड में दिख रहा होगा और ये साइड में। और ये अच्छी बात इनमें ये है कि आपके कानों में काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट हो रहे हैं और ऐसा नहीं कि आपको लगाएंगे और यहाँ से नॉर्मली निकल रहे हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर इस हेडफोन की बात करूँ ओवर हेडफोन की, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये FNT का जो हाई क्वालिटी के साथ आपको वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन है ये। तो इसका कुछ लोग आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से ऊपर से बना है और इस तरह से भी कुछ यहाँ पर दिया है। बाकी मैं इसके डिटेल की बात करूँ यहाँ पर देखिए पीछे भी कुछ बहुत कुछ मेंशन कर रखा है। तो ये सपोर्टेड आपके मोबाइल के साथ MP3 प्लेयर iPad और लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट हो पाएगा। और यहाँ पर जो इसके स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं ड्राइवर साइज वगैरह भी यहाँ पर दिया है, 15 mm और स्पीकर भी यहाँ पर दिए हैं और ये पावर वगैरह सब बैटरी इसकी 300 mAh की आपको मिल जाती है। जो चार्जिंग टाइम है इसमें 2 से 3 घंटे ही लगता है। और यहाँ पर बैटरी जो प्ले टाइम है वो कम से कम यहाँ पर आप एक बार चार्ज करने के बाद 10 घंटे तक इसका बैकअप आपको मिल जाएगा। अगर आप बात भी करते हैं तो यहाँ भी आप 10 घंटे तक नॉर्मली वर्क करेगा। स्टेबिलिटी टाइम इसका टोटली जो दिया है वो 22 hours दिया है
कोर लेंथ भी 1.2 mm है, ऑपरेटिंग रेंज इसकी लगभग 8 से 10 मीटर तक रहेगी और माइक सेंसिटिविटी जो आपको काफ़ी कम आया 30 dB तक आपको मिल जाती है। अगर करके ये FND का काफ़ी अच्छा है और इसका जो मॉडल नेम है वो HW110 है, जो आपको वायरलेस स्टेरियो हेडफोन के नाम से है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं ले दूँगा इसको। ये आपको लोकल मार्केट में काफ़ी मतलब 1800 से 2000 के बीच में आपको यहाँ पर मिल जाता है, ऑनलाइन में थोड़ा सस्ता भी हो सकता है, क्योंकि मैंने इसे लोकल से परचेस किए हैं। तो इसको निकालने के बाद यहाँ पर नॉर्मल फिटिंग के साथ ही मिलती है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर पहले जो मैं देखूँ तो यहाँ पर एक चार्जर डाटा केबल दी गई है, इसमें एडाप्टर नहीं दिया है क्योंकि एडाप्टर यहाँ पर लगता है मुझे। अच्छा, एक आपको यहाँ पर दो एक यहाँ पर डाटा केबल दी गई है जिससे आप चार्ज कर सकते हैं, मगर इसके साथ एडाप्टर नहीं, आप घर के मोबाइल वगैरह का एडाप्टर लगा कर नॉर्मली इसे चार्ज कर पाएंगे। और दूसरी जो यहाँ पर केबल दी है वो 3.5 जैक की दी है, आप नॉर्मली चाहें इसे कनेक्ट करके भी चला सकते हैं अगर ब्लूटूथ की प्रॉब्लम आती है तो। दोनों जगह साइड में कर देता हूँ, साथ में यहाँ पर गाइडलाइन वगैरह कुछ दी हैं इसके, तो इसे भी रख देता हूँ। अब यहाँ पर इसको मैंने अभी निकाल लिया और ये कुछ इस तरह के लुक के साथ आपको यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आपको ये एक्स्ट्रा आप देखेंगे, आप साइज यहाँ पर इसका बढ़ा सकते हैं, बाद में अपना एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी मैं इसके साउंड क्वालिटी चेक करूँगा और उससे पहले मैं बता दूँ आपको यहाँ पर दो तीन ऑप्शन आपको यहाँ पर वॉल्यूम का मिल जाता है, अप डाउन का ऑप्शन है, और आप जब इससे कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर कॉल आपको कॉल रिसीव का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, आप देखेंगे यहाँ बटन दिखाई दे रहा है, जस्ट उसके नीचे आपको एक लाइट जिससे आप अगर चार्जर वगैरह लगाते हैं या नीचे कनेक्ट करते हैं तो उस समय यहाँ पर ग्रीन और रेड लाइट जलती है, तो रेड अगर आप चार्ज करेंगे तब जलेगी और जैसे ग्रीन लाइट जलेगी वहाँ पर। ये फॉर्म जो दिया है उसके बाद तो यहाँ पर काफ़ी शॉक है, और इसके जो साउंड चार अंदर से इसको भी काफ़ी अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी का लग रहा है हमको। और जो यहाँ पर दिया है ये आपके हेड पर, मैं इसको लगा के देखता हूँ और काफ़ी तो इस तरह से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपके पूरे एयर को कवर कर रहा है और इस तरह से भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो कुछ इस तरह का लुक है। आपको अगर लगता है साइज में छोटा है तो साइज में आपको तो ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाता है, तो आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, हेड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ये लूज हो रहा है, फिर मैं इस तरह से टाइट कर सकता हूँ और ये अगले समय फिर से आ रहा है, तो इस तरह भी आप उसको यूज कर पाएंगे। और जस्ट इसके नीचे ही आपको 3.5 जैक और यहाँ चार्जर केबल यहाँ पर जो दिए है वो लगा के आप इसे चार्जर नॉर्मली कर पाएंगे। कंपनी ने अपना यहाँ साइड में देखिए लोगो वगैरह दिए हैं FND का, तो यहाँ पर जो इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी सुनी है। ये मॉडल इसका काफ़ी इसका एक सेकंड मॉडल भी लगभग बहुत जल्दी मार्केट में आने वाला है, जो HW111 करके आएगा, तो कुछ ही समय बाद वो भी आने वाला है। तो यहाँ पर साउंड क्वालिटी में ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, मैंने अपने मोबाइल की वजह से ही ब्लूटूथ कर रखा है, तो आप ही हाथों में इसको बटन दबाता हूँ। तो अगर आपको ओपन करना है तो ये जो कॉल रिसीव वाला है इस बटन को आप थोड़ी सी देर यहाँ पर कुछ तीन सेकेंड यहाँ पर एक ब्लू लाइट जलेगी, ये ऑन ऑफ होने पर, तो यहाँ पर ये अभी आप देखेंगे थोड़ी सी लाइट आपको शायद दिख रही है, तो ये ऑन हो गई साथ में रैप भी होगी। आपको इस तरह से यहाँ लगा लेना है और ये अभी मेरे मोबाइल के साथ कनेक्ट हो गया है, तो उसके जो साउंड वगैरह थोड़ा सा
काफ़ी अच्छे से हमारे साथ फील हो रहा है। अभी हमने काफ़ी किया है तो अभी ज़्यादा फील करने से आवाज़ ज़्यादा हो रही है और ये काफ़ी अच्छा है। मुझे बाहर का कुछ लगभग सुनाई नहीं दे रहा है, इसी म्यूजिक पूरा क्लियर ऑडियो मेरे तक कान तक पहुँच रहा है तो काफ़ी अच्छा गाना। हाँ तो अब यहाँ सुनने का पूरा मज़ा ले पाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा साउंड है इसका, अगर आप 18 से यहाँ लगभग 2000 के रेंज में अगर आप जाते हैं तो ये हेडफोन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप ट्रैवल वगैरह के लिए भी ये काफ़ी एडजस्टेबल बनाया गया है, आप ट्रैवल वगैरह में काफ़ी अच्छा रहता है अगर आप लेके जाते हैं इसको साथ में। अगर मैं नॉर्मली ये एयरफोन की बात करूँ तो ये भी एयरफोन काफ़ी अच्छे होते हैं, थोड़ा लाइटली होते हैं। और इसके अलावा मेरे और भी आपने चेक एक वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने एक कॉलर है एयरफोन की बात की तो वहाँ पर भी मैंने उसका एक रिव्यू किया है, आप उसे भी देख सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो फ्रेंड कुछ इस तरह के इनकी क्वालिटी दी गई और आपने लोकल मार्केट से परचेज कर सकते हैं। और मैं आपको अपने दूसरी वीडियो का लिंक दे दूँगा जो कॉलर है एयरफोन, आप उन्हें भी देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।